वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 सब क्वेश्चंस है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सब क्वेश्चन 4। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जितने भी सब क्वेश्चंस दिए हैं, सारे के सारे सब क्वेश्चन में हमको 3 पॉइंट विद देयर कोऑर्डिनेट गिवन है। हमको चेक करना है, डिटरमाइन करना है वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ये हमको चेक करना है। सो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट के कॉम्बिनेशन से तीन लाइन सेगमेंट क्रिएट हो सकते हैं। तो किसी भी दो लाइन सेगमेंट का हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर स्लोप इक्वल है तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। अगर स्लोप नॉट इक्वल है तो पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पी क्यू एंड आर गिवन हमको। सो मैं पी एंड क्यू को कंबाइन करता हूं एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू क्रिएट हो जाएगा। फिर तो हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। सो स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सो सिंस देखो फॉर्मूले के अंदर हमको x1 x2 y1 y2 यूज करना है, तो ये जो PQ लाइन सेगमेंट है पॉइंट P एन Q से बना हुआ है। तो किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कंसिडर करेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे x2 y2। सो यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q का जो कोऑर्डिनेट है ये है x2 y2। अब y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है -3, तो y2 के प्लेस पे हम लिखेंगे -3। y1 का वैल्यू है -5, तो y1 के प्लेस पे हम लिखेंगे -5। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 है, x2 का वैल्यू है 1, सो x2 के प्लेस पे 1 लिखेंगे एंड x1 के प्लेस पे हम लिखेंगे 2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। डिवाइड बाय 1 माइनस 2 होता है -1, प्लस माइनस माइनस होता है और ग्रेटर नंबर का साइन आता है, इसलिए -1। अब -3 एंड प्लस 5, अगेन प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2 आएगा और साइन किसका होगा, ग्रेटर नंबर का, दैट मीन्स प्लस का साइन आएगा। तो ये होगा 2 अपॉन -1। 2 अपॉन -1 होता है -2। डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको इग्नोर कर देंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिखा है दैट मीन्स 1 होता ही होगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमको। तो स्लोप ऑफ अ लाइन पी क्यू हमको मिला है -2। अब एक दूसरा कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे और उस लाइन सेगमेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो अगला हम फाइंड आउट करेंगे क्यू एंड आर का स्लोप। सो स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। सो स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। देखिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन क्यू आर। सो क्यू एंड आर इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे x1 y1 और दूसरे को x2 y2। सो क्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं x1 y1 एंड पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट को कंसिडर कर रहे हैं x2 y2।
अब इसके अकॉर्डिंग टू देखिए x1 क्या वैल्यू हो गया 1, y1 क्या वैल्यू -3 है, x2 का वैल्यू -2 एंड y2 का वैल्यू है 3। यहां पर हमको लिखना है y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू है -3। सो y2 के प्लेस पे 3 और y1 के प्लेस पे -3 हमने लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमको x2 एंड x1 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, सो x2 के प्लेस पे -2 लिखेंगे, x1 के प्लेस पे 1, तो ये हो गया -2 -1। सो 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर माइनस है तो नंबर्स प्लस होंगे और साइन आएगा माइनस का, दैट मींस -3। अब न्यूमरेटर में है 3 + 3 विच इज 6 एंड डिवाइड बाय -3, ये हो गया -2। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6, दैट मींस -2 मिला हमको। अब हम फर्स्ट वाला जो लाइन हमने फाइंड आउट किया है PQ, इसका स्लोप, और जो सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया QR का, उसका स्लोप, इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों के स्लोप वैल्यूज क्या मिले हमको, -2। अब जो दो के स्लोप वैल्यू सेम है, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट स्लोप ऑफ द लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन QR, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR। इन दोनों के स्लोप वैल्यूज इक्वल है, तो जब लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे मोटो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे यूट्यूब पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की सूचना मिले।